नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया 7-सीटर विमान बीच क्राफ्ट किंग एयर बी 250 जीटी भोपाल पहुंच चुका है। सरकार ने अमेरिकी कंपनी से 65 करोड़ में एक खास विमान खरीदा है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की योजनाओं पर तो रोक लगा दी, मगर वह प्लेन को लाने से नहीं रोक पाए। उपचुनाव को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि कोई दाव नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं, और जनता के जहन में आ चुका है कि 27 सीट पर ही जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है। आज आप लोगों का कार्यक्रम है ग्वालियर में, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम है और क्या पूरा रहेगा इसमें? आज सज्जन वर्मा जी, मैं और भी लोग आज ग्वालियर पहुँचे हैं। 3 बजे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके पहले बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इनको ज्वाइन कराएंगे। और जो कांग्रेस ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15-16 महीने जो काम किए, चाहे बिजली का बिल हो 100 रुपये सोने, ऋण माफ़ी किसानों की, बच्चियों की शादी का 25 से 51 हज़ार करना, 300 से 600 करना, और बहुत से काम जो किए। आज जो प्लेन आया है जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है कि कमलनाथ जी की सरकार के आदेश पे आया है, जो 60 करोड़ का, पहले 80 करोड़ नहीं ले रहे थे उन्होंने। कमलनाथ जी की सब योजना तो पे रोक लगा दी, लेकिन ये प्लेन को नहीं रोक पाए जो कमलनाथ जी ने, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज है उसमें, चाहे वो एयरपोर्ट्स के मामले हों चाहे एरोप्लेन के मामले हों, एक बहुत अच्छा निर्णय क्या है। और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं पूरे प्रदेश में, कल भी अभी परसों उन्होंने कलम बंद प्रकार की और भी करने जा रहे हैं, 5% घटिए का मामला हो और भी हो, जो बिजली के बिल हो और जो फिक्स चार्जेस दिए गए उद्योग व्यवसाय, इन सब चीज़ें हैं, ये सब इश्यूज रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है वो है, लोगों को रोजगार ख़त्म हो गए वो प्रॉब्लम है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। उपचुन कर रही है संबल योजना हो, चाहे एक बत्ती का सही कनेक्शन हो, चाहे किसानों का बिजली मिल माफ करने की एक दाव खेल। ये केवल दाव नहीं है, केवल घोषणाएं हैं, ये कुछ भी कर ले घोषणाएं, लोगों के जहन में और जिगर में आ चुका है, जहन और जिगर में आ चुका है कि जनमत के साथ धोखा हुआ है। जो हमने वोट दिया था वो बेच दिया गया, और 27 की 27 सीटों में लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।